ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो को-वर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहाँ पर क्या क्या होता है, ये थोड़ा सा सस्पेंसिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिख दिया है, पर क्योंकि वह ये सरप्राइज़ था इसलिए जेनिफर उसे मेल को सेंड नहीं करती। फिर काम ख़त्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गए नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर गए लिफ्ट में चढ़ता है और इस लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर गए जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों कुछ देर एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर गए जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग को दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। और वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वो लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गए लिफ्ट में लगे हुए कॉल और इमरजेंसी बटन को भी दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देख करके हाथ हिलाते हैं पर वहाँ से भी कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर वो दोनों वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद करने के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं पर उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते। अब जेनिफर घबराने लगी थी क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी, लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात ही उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर जेनिफर गाय को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइज़र का काम करती है। इस पर गाय भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर गाय को ऊपर चढ़ने को बोलती है ताकि वो इमरजेंसी एग्जिट का पता लगा कर वहाँ से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह से पैक्ड होती है इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। और अब उन दोनों को एक साथ बंद हुए 1 घंटा बीत चुका था तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेनिफर गाय को बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है जो गाय उसे अपनी बॉटल दे देता है। गाय के पास एक वाइन की बॉटल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा होता है। फिर जेनिफर गाय को कहती है कि वो दोनों 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद होने वाले हैं क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है पर वो गाय के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। पर गाय उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली तो कोई भी बात नहीं है। और फिर वो जेनिफर को उसके खाली थर्मस में टॉयलेट करने को बोलता है। अब जेनिफर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है और वहीं पर गाय दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आँखें और कान बंद कर लेता है। और इसके बाद जेनिफर ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए बातें करने लगते हैं और गेम खेलने लगते हैं। फिर जेनिफर गाय से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता है, लेकिन गाय कहता है कि उसके कोई भी गर्लफ्रेंड या फिर फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी पर अब उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं और फिर गए अपनी वाइन की बॉटल खोलता है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते बनाते गए जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। अब ये सुन करके जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। गाय ने तो जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी पर जेनिफर ने गाय की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गाय से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहिए तो गाय जेनिफर से खाने पीने के बारे में बात करने लगता है पर जेनिफर गाय को वहीं पर रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गाय कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटसीज के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। इसके बाद गाय की बारी आती है
और वो बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो उसके साथ कार में इंटीमेट हुआ था। और इसके बाद गाय जेनिफर से पूछता है, क्या तुम्हें मैं किस कर सकता हूँ? जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट के बाद गाय जेनिफर को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, पर इस पर जेनिफर गाय को कहती है कि वो अभी भी उसे एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। और जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा। गाय जेनिफर को बताता है कि वह उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उसे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था। अब ये सुनकर के गाय थोड़ा सैड हो जाता है और फिर वो जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा। जिसके बाद उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ छुपाया। गाय बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहा है। वो जेनिफर को रोज़ आते जाते देखा करता है और वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर की ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गाइस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड रहता है और ये रोज़ जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखा करता है। वो बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था लेकिन आज तक वो उसे बोल नहीं पाया था, क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए गाय ने ये सब कुछ प्लान रखा और इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि गाय की ही प्लानिंग होती है। अब ये सब बताने के बाद गाय लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को कहता है अगर वो चाहे तो वो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वो उस चाबी को लिफ्ट में लगा करके लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब जेनिफर ये सुन करके बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गाय को कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊँगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब ये सुन करके गाय वापस लिफ्ट को बंद कर देता है और फिर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है पर गाय उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है, जिस दौरान उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और वो चाबी टूट जाती है। अभी दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वो चाबी एकमात्र रास्ता था जिससे ये दोनों यहाँ से निकल सकते थे। अब ये देख करके जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में गाय के मुंह पर एक अपना सैंडल मार देती है। फिर गाय भी जेनिफर का मुंह पकड़ करके उसे जोर से फ्लोर पर मारता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर गाय से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते। जिस पर गाय कहता है कि आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट कर लूँगा। और ये सुन करके जेनिफर गाय को कहती है कि तुम एक किडनैपर हो। और ये सुन करके गाय पूरी तरह से पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। और फिर गाय जेनिफर के बैग को खोलता है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। अब ये देख करके गाय उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है और गाय उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स के अंदर ही एक सिगार और एक लाइटर था, जिसके बाद गाय वहीं पर बैठ करके उस सिगार को पीने लगता है। अब ये देख करके जेनिफर को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और चुपचाप वो वहीं पर बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद गाय देखता है कि लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता होता है और उस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं होता, तो शायद वो ऊपर कोई रास्ता ज़रूर होगा। जिसके बाद गाय ऊपर चढ़ता है और वहाँ पे उसे बाहर जाने का रास्ता मिल भी जाता है। फिर वो जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद करनी चाहिए, पर जेनिफर को गाय पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो गाय से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊँगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। पर गाय भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता और वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गाय को प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और यहाँ से निकल कर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस पर गाय को जेनिफर पर भरोसा हो जाता है और वो उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर गाय को धोखा दे देती है और वो उसे बाहर नहीं निकालती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है और अभी देख करके गाय को गुस्से से पागल हो जाता है और वो भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर उस लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद गाय उस सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी गाय उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे वो दोनों सीधा नीचे आकर के लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलाने लगती है जिससे वहाँ पर फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर के उसे बचा लें। फिर थोड़ी देर बाद गाय को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। और जिसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर के गाय के फेवरेट पार्ट को काटने लगती है, पर यह देख करके गाय बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब गाय को तड़पता हुआ देख करके जेनिफर रुक जाती है, जिसके बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और गाय के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसे उसने कहा था कि उसने ही जेनिफर को किडनैप किया। फिर कुछ देर बाद उस बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टेडी होता है।
टेडी अपने गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में दो लोग फंसे हुए हैं। अब ये देख करके वो भाग करके उनकी मदद करने के लिए आता है और उस लिफ्ट के पास जा करके उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो गाय को चाबी देता है ताकि वो उस लिफ्ट को वापस से चालू कर सके। लेकिन गाय टेडी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो टेडी गाय की हेल्प करने के लिए उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही टेडी आधा अंदर पहुँचता है तभी गाय उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे टेडी वहीं पर फंस करके मर जाता है। अब जेनिफर ये सब देख करके चिल्लाने लगती है, तो गाय उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठा करके कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद गाय सीसीटीवी रूम में जा करके वहाँ की सारी फुटेज को भी डिलीट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ये सब कुछ वो देख लेती है। ये सब को देख करके गाय उसके भी पीछे पड़ जाता है और उसे भी मार देता है। फिर गाय उसे कार में बैठा करके एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गाय वहाँ पर जेनिफर को चलाने का प्लान कर रहा था। फिर गाय कार की डिग्गी को खोलता है और जेनिफर वहाँ से चुपचाप बाहर आ करके गाय पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो गाय की कार को लेकर के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर ही जाने के बाद वो कार को वहीं पर रोक देती है, जिसके बाद वो कार को रिवर्स में लेकर के गाय को चक्कर मारती है और गाय उसी कूड़ेदान में जाकर के गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे गाय जल करके वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।